दुख हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके घर में शादी का प्रसंग था, 200 लोगों को आपने आमंत्रण दिया, 195 लोग आए और 5 लोग नहीं आए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सर बोलो आपकी मेमोरी में क्या रहेगा, 5 जो नहीं आए उनकी मेमोरी रहेगी कि 195 उनकी मेमोरी रहेगी? क्या हुआ सर बोलो क्यों? ओके 5 नहीं आए वो भी बराबर है, मगर 195 है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं आपकी मानसिकता क्या रहेगी, 5 जो नहीं आए उनको लेकर के आप जितना सोचेंगे उनका आपकी मस्ती बढ़ेगी कि आपकी मस्ती डिस्टर्ब होगी? और 195 आगे उनकी यदि सोच आपके मन में रहेगी तो मस्ती बनी रहेगी कि मस्ती कम होगी? क्या बोलो? तो मैं आपको पूछना, सच बोलो आप आपकी मस्ती के मालिक है, तो मस्ती बनाए रखना चाहते हो कि मस्ती को डिस्टर्ब करना चाहते हो? यदि बनाए रखना चाहते हो 195 को आंखों के सामने रखो, मस्ती बनी दीदी। फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, 5 को याद रख के आपकी मस्ती को डिस्टर्ब करने का काम कोई और नहीं करता है, कौन करता है? आप ही करते हो। वाई यू आर इंटरेस्टेड इन पेनफुल सोच, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन पेनफुल थॉट्स? मैं आपको पूछना चाहता हूं आपको पीड़ा देने वाली की सोच में आपका इतना इंटरेस्ट क्यों है? आप मुझे बता सकते हो, बताओ, नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वाई द रॉन्ग एंगल, वाई नॉट द राइट एंगल? साधु जीवन में हम चलते फिरते घूमते जिंदगी भर के लिए आपके पास जो सुविधा है, सुरक्षा है, उसमें कोई सुविधा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, फिर भी हर स्थिति में साधु के पास मस्ती बनी रहती है। इनका एक ही कारण कि वी आर गो टू राइट एंगल। आपको मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तेज गति से गाड़ी चलाना चाहते हो मगर सिग्नल डिस्टर्ब करता है, स्पीड ब्रेकर डिस्टर्ब करता है, ट्रैफिक डिस्टर्ब करता है, राइट एंगल में आपको डिस्टर्ब करने वाला कौन है? आप एक घंटे में परेल से चर्चगेट पहुंचना चाहते थे मगर ट्रैफिक बीच में आया, सिग्नल आ गया, बहुत कुछ आ गया, आप नहीं जा पाए। मगर मैं आपको पूछना, यदि आप राइट सोच करना चाहते हो तो उसमें डिस्टर्ब करने वाली आइटम कौन सी है कि जिनके हिसाब से आप राइट एंगल को पकड़ नहीं पाए, आप मुझे बता सकेंगे क्या? क्या कहा? नहीं, मैं ये कहना, राइट एंगल को पकड़ना है तो आपको डिस्टर्ब कौन करता है? आपके बस में ना, देर इज नो ट्रैफिक, नो स्पीड ब्रेकर, नथिंग, कोई सिग्नल व्यवस्था नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, यू आर ओनली अलोन। आप टॉप गियर में गाड़ी चला के जल्दी पहुंच सकते हो, फिर भी राइट एंगल न पकड़ के रॉन्ग एंगल को क्यों पकड़ दो? मुझे इतना ही जानना है आपके पास। जो मानसिकता आपको डिस्टर्ब करती है वो मानसिकता आपका अपना इंटरेस्ट क्यों है? आप एक और ये बोलते हो महाराज से मैं सुखी बनना चाहते हो, फिर दुख के रास्ते पे क्यों जाते हो? आप ये बोलते ना कि मुझे सुखी बनना है, मुझे मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, प्रसन्न रहना है, फिर वाई रॉन्ग एंगल?